तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स आप लोगों को एक ही चैनल पे मिलने वाली है। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो सबसे पहले हमारे को जो मेज है वो एक ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं, ऐसा ना हो कि हेक्टर को गॉडल से आईजीएल के लिए ऑफर आ जाए, पहले सपोर्ट फिर फ्रेगर एंड इसके बाद आईजीएल। एंड अगर ऐसा होता है तो यार आप लोगों के क्या कमेंट्स रहने वाले हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसके बाद जो बीजीएमएस है उसका फॉर्मेट हमें देखने को मिला जो कि चलने वाला है 19 जुलाई से 11 अगस्त तक। एंड यार बीजीएमएस के जो रूल्स है वो काफी क्रेजी रहने वाली है, आप लोगों ने ऐसे रूल्स नहीं सुने होंगे तो वो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले जो बीजीएमएस का फॉर्मेट है वो आप लोग समझ सकते हैं जो हो रहा है इसी महीने के और 21 तक चलेगा इसी महीने के, जो ओपनिंग वीक होने वाला है। 24 टीम्स यहां पे सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको बता 20 इनवाइटेड थी और 4 क्वालिफाई करके आई हैं। अब इनके बीच में एक तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा, 3 दिन का खेल है, 24 टीम्स हैं तो ऑफकोर्स इनमें ग्रुप्स बटेंगे। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ग्रुप्स बटते हैं और मैचेस कम होते हैं तो आपको मैचेस कम ही मिलने वाले हैं। तो इस 3 दिन के खेल में 19, 20 और 21, इन 3 दिन के खेल में हर टीम को मिलने वाले हैं 4 मैचेस। 4 मैचेस के अंदर आपको आना है टॉप 18 में। अगर आप टॉप 18 में आ जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द ग्रेटेस्ट स्टेज, जो आगे वाली स्टेज आने वाली है। बट अगर आप टॉप 18 में नहीं आते तो यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी टीम बॉटम 6 में है तो उसमें से भी आपको चांस मिल सकता है अगले स्टेज में जाने का। और वो चांस कैसे मिलेगा? वो चांस आएगा सब आपके हाथ में। अब हमें तो पता है कि भाई फैन फेवरेट टीम्स को फायदा तो मिलेगा, बट वो अगर नहीं आए तो उसके बाद किसको वोट करोगे मुझे बताओ चैट सेक्शन में। बट हाँ, अगर आप वोट करते हो तो आपकी टीम को भी मौका मिलेगा, 2 टीम्स को इनफैक्ट मौका मिलेगा जो आगे जा पाएंगी। ये देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। सो अब यहाँ पे 18 हमारे पास पहले थे, 2 और आगे कैलकुलेट करके बता सकते हो आपके 20 टीम हमारे पास हो चुकी है। और 20 टीम के साथ शुरू होगा उसके बाद लीग वीक जो चलेगा 22 तारीख से 4 अगस्त तक। लंबा दौरान है, काफी सारे मैचेस मिलेंगे यहाँ पे टीम्स को। 20 टीम्स है, 20 टीम्स यहाँ पे खेलते हुए आपको नजर आएंगी और इसमें से 4 जो टॉप टीम्स हैं वो क्वालिफाई करने वाली हैं आगे सीधा फाइनल्स के लिए। ये सबसे बड़ी खबर है बिकॉज लीग वीक के बाद आपको प्लेऑफ्स के लिए जरूरत नहीं है, आप सीधा फाइनल्स जाएंगे। और जो बची हुई टीम्स हैं जिनकी रैंक होगी 5वें से 20वें तक वो आगे जाएंगे फिर प्लेऑफ्स खेलने के लिए जो खेला जाएगा 6 और 7 तारीख को। ये सब 2 दिन का प्लेऑफ्स होगा, ये आप लगा लीजिए कि एक दूसरा मौका है इन सभी टीम्स के पास कि वो भी आगे आके और भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे कर पाए। और उन 16 में से टॉप 12 टीम्स और होंगी जो जाएंगी ग्रैंड फाइनल्स में। अब 12 टीम्स आ गई हमारे पास प्लेऑफ्स से और हमारे पास लीग वीक से आ गई यहाँ पे बाकी की 4 टीम्स। टोटल अब आपके पास हो गई है 16 टीम्स जो जा रही हैं ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। एंड इसके ऊपर सिड भाई रिप्लाई करते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं, बीजीएमएस इज टेलीवाइज शो, रिमेंबर दिस बिफोर यू हेट द फॉर्मेट। मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इस फॉर्मेट का, लेकिन यार मजा आने वाला है, ई स्पोर्ट्स के लिए इतना तो कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट इसमें मिलने वाला है, इतने सारे इवेंट होते हैं, एक आध इवेंट तो ऐसा चल सकता है। एंड इसके बाद मेजी भी ये चीज़ लिखते हैं, मुझे सच में कुछ गलत नहीं लगता है, ग्लोबल इवेंट में भी वोटिंग से टीम आती है, प्राइस पूल इतना बड़ा होता है, उसके बाद भी मजा आएगा बीजीएमएस में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को वो आप लोग देख सकते हैं, मैं गिल वैक्सी और एक अंडरडॉग आईजीएल है, हम लोग मिलके टीम बना रहे। देखो मैंने गिल से बात किया, मैंने गिल को बोला गिल देख मेरे को कोई स्ट्रेस गेम प्ले नहीं चाहिए कि मेरे पे कोई प्रेशर है, समझ रहे हो कि मैं कोई प्रेशर में खेल रहा हूं। तो गिल भी बोला कि सेम ब्रो, मेरे को भी मतलब आराम से खेलना है, ऐसे प्रेशर में नहीं खेलना, ठीक है। मैंने लॉल से भी बात किया था, लॉल्स ने कहा कि पहले 2 जगह पे कमिटमेंट देखे रखा है ऑलरेडी, तो इस चीज के वजह से मतलब उसने कहा है कि मैंने ऑलरेडी 2 जगह पे कमिटमेंट देखे रखा है तो वो बैक ऑफ नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है यार, तुम किधर कमिटमेंट दे रहे हो। तो मैंने बोला ओके ब्रो कोई सीन नहीं है, ऊपर करो गेम को बीजीएमएस से। अलादीन था ना गिल के साथ, अलादीन है अभी बट आई डोंट नो क्या सीनारियो है, आगे का कह नहीं सकता मैं कुछ, आगे का जो भी है वो एक देखो। एक चीज मैं सोचा हूँ कि मेरे को पूरा ही न्यू टीम नहीं चाहिए, मेरे को मेरे कंफर्ट जोन में खेलना है, मेरे को पूरा ही ऐसा नहीं चाहिए कि देखो गाइस मेरा बहुत टाइम का ब्रेक हो चुका है, तुमको एक फैक्ट स्ट्रेट बात करते हैं अपन, मेरा बहुत टाइम का ब्रेक हो चुका है, नहीं नहीं करके भी 8-9 महीने का या 10 महीने का ब्रेक हो चुका है। मेरे को गेम खोले हुए ही 3 महीने हो चुके थे और कॉम्पिटिटिव खेले हुए तो 7-8 महीने हो चुके थे, तो ऐसे हालत में कोई टीम मुझे लेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ फैक्ट को। एंड मेरे को अगर चाहिए कि मैं कोई बेटर टीम में खेलूँ तो मेरे को पहले प्रूव करना पड़ेगा खुद को, तो वो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं पूरे न्यू अंडरडॉग्स लेके उनको 0 से सीखा, वो पॉसिबल है, अपन स्ट्रीम पे 2 दिन खेले, आप लोग ने देखा वो चीज कि बहुत टफ होता है, ठीक है। और मैं भी थोड़ा वैसा पर्सनालिटी नहीं हो कि किसी को सिखा सकता हूँ। एंड इसके बाद जो बीजीएमएस है उसके अंदर काफी सारे क्रेजी रूल्स रहने वाले हैं, तो कुछ क्रेजी रूल्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लोगों को इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इनके पास अलग अलग रूल्स भी होंगे, मतलब जो पहला जोन होगा फर्स्ट जोन उसके अंदर आपको मिलेगा बोनस पॉइंट्स, पावर प्ले समझ लो, जैसे क्रिकेट में होता है ना पहले 6 ओवर में फील्डर्स अंदर होते हैं, यहां पे होगा पावर प्ले।
और टॉप चार टीम्स जो यहां पे टॉप चार टीम्स होंगी, 24 में टीम्स अब खेल रही है ना पहले के शुरू के तीन दिन, टॉप चार टीम्स पे होंगी बाउंटी। अब बाउंटी के आपको अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल टीम एक्स है, टीम एक्स है जिसके ऊपर लगी है बाउंटी, ठीक है, वो टॉप चार में थी और टीम वाई ने इसको मार दिया। अब पता कितने पॉइंट्स है बाउंटी टीम को मारने के? सीधा 10 पॉइंट। बॉय दैट इज अमेजिंग राइट। मतलब अगर आप एक बाउंटी वाली टीम को मारते हो आपको सीधा 10 अंक मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए बाउंटी टीम के अलावा जो पावर प्ले की मैं बात कर रहा था, पावर प्ले में आपको डबल पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब एक फिनिश का आपको 2 अंक मिलने वाले हैं पावर प्ले के अंदर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सब कुछ कैलकुलेट करने बैठ जाए, आपने चार प्लेयर्स मार दिया, ठीक है, चार प्लेयर्स मार दिए और चार प्लेयर्स उस टीम के मारे जिसके ऊपर बाउंटी थी एंड ये सब आपने किया फर्स्ट जोन के अंदर, तो आपको मिलेंगे सीधा 14 अंक 10+4। मतलब पहले सर्कल में ही आप 14 अंक लेके अपना टाटा वाइवा कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। ये बहुत एक बढ़िया चीज है जो थोड़ा सा अलग फैक्टर लेके आएगी। आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में कि आपको ये रूल कैसा लगा। अब इसके अलावा एक और रूल है, वो है, बता दूं, सच में बता दूं, थोड़ा रंग चेंज करते हैं। वो जो रूल है वो ये है कि आपका एक प्लेयर वीआईपी प्लेयर बन सकता है जिसको ऑटोमेटिकली डबल पॉइंट मिलेंगे जितने भी वो फ्लैग्स निकालेगा। और वो सिलेक्शन कैसे होगा? नॉर्डविन के द्वारा आपका जो आईजेल है उसको पर्चियां दिया जाएंगी चार, मतलब लॉटरी निकलेगी ऐसा समझ लो, चार पर्ची में से एक पर्ची वो निकालेगा। पर्ची निकालने के बाद जिस भी प्लेयर का नाम आया, मान लो प्लेयर का नाम आ गया एडमिनो, अब एडमिनो भाई जितने भी फ्रैग्स निकालेगा ना वो है आपका एमवीपी खिलाड़ी, वीआईपी खिलाड़ी, जो भी आप समझ लो, उसको डबल पॉइंट्स मिलेंगे। एंड इसके बाद जो सोमराज है वो हमें रिवील करते हुए दिखाई देते हैं कि जो स्नैक्स है वो कौन सी टीम से ट्राई आउट दे रहे हैं, कौन सी टीम से वो हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। तो निक्की बोला वो भी आप लोग देख लो। पता चला गाइस हमारी दूसरी टीम वीएसटी में स्नैक्स ट्राई कर रहा है, अभी उसका ट्राई आउट चल रहा है उधर। होपफुली मैंने बात तो किया था, शायद से ले भी ले, पता नहीं मेरे को, मैं बस आपको अपडेट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद यार जो भी पुराने प्लेयर्स थे जो कि वापस ई स्पोर्ट्स में कमबैक करने का ट्राई कर रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर बात करते हैं सोमराज एंड वहाँ पे वो उनके लिए क्या बोलते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। नहीं तुम स्प्रे से हकते रहेंगे हकते रहेंगे हकते रहेंगे बाबू, न्यूज कमिंग बैक टू ई स्पोर्ट्स। अरे हाँ, हम देखे ऐसे बहुत सारे जो पुराने प्लेयर्स थे, एक बंदा मेरे को पूछा भी था कि फिफ्थ रख लो, पर मैंने सोचा कि नहीं, इट्स टू लेट। पर ऐसे ठीक है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं, पर मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या सोच के वापस ट्राई कर रहे हैं। मतलब जिसका कंटेंट क्रिएशन में अच्छा हो गया है, दे आर क्रिएटिंग गुड कंटेंट। भाई रिडन के साथ खेलो ना स्ट्रीम पे, तो उन लोग वापस ई स्पोर्ट्स में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब ई स्पोर्ट्स मजाक तो नहीं रहा कि कोई भी आएगा और खेल लेगा। हाँ मानते कि एक्सपीरियंस भले हो, पर इतना टाइम का जो गैप हो जाता है ना, वापस आने में दिक्कत होता है। करने को तो ऐसे कर ही सकते हैं अगर वो लोग टाइम दे, दिन में 10-12-16 घंटा खेलते रहे तो फिर कम बैक हो भी सकता है, क्योंकि अभी सबका इंडिविजुअल गेम है, कोई भी खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इंडिविजुअल गेम के साथ साथ टीम गेम भी है। तो बस गाइज यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे मिलने वाली है।